नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर। महाराष्ट्र स्टेट के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हमने MPSC, PSI, STI, ASO, प्रीलिम्स और मेंस में लगने वाले जो सवाल होते हैं आर्टिकल के, उन पर हमने कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखे थे। लेकिन कमेंट बॉक्स में जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि तलाटी, लिपिक, टंक लेखक यानी कि क्लास फोर की जो एग्ज़ाम्स होती है, उन क्लास फोर के एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश ग्रामर के सवाल आते हैं, उन सवालों को सॉल्व करके वीडियो बनाने के लिए आपने कहा था। तो आपके रिक्वेस्ट को सम्मान देकर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आज तलाटी यानी कि जो क्लास फोर की एग्ज़ाम्स होती है तलाटी। अहमदनगर 2015 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस पर हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अहमदनगर तलाटी 2015 के क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं उनके क्वेश्चंस। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है तलाटी अहमदनगर 2015। पहला सवाल दिया है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ट्रायम्फ। तो पहला सवाल आपको शब्द के स्वरूप में दिया गया है और शब्द आपको दिया गया है ट्रायम्फ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ट्रायम्फ, तो ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, विन, कॉन्कर। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो जीतने के साथ, कॉन्कर के साथ, विन के साथ एक सक्सेस शब्द दिख रहा है। तो पहला सक्सेस जो शब्द है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो करेक्ट सिनोनिम पूछा है, तो ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, सक्सेसफुल होना, या फिर कॉन्कर। कहीं किसी चीज़ में अगर हमें जीत हासिल होती है तो हम ट्रायम्फ यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द, अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे या फिर द लोकमत टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उनमें जब भारत की जीत होती है तो अक्सर इंडिया ट्रायम्फ लिखा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत होती है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। यदि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर समझता है तो आप उसको पढ़ सकते हो, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें आते हैं जो काफ़ी हमें शॉक करते हैं। तो शॉक करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको यदि हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिनका मीनिंग हम देख सकते हैं, और फिर बाद में उनके एज अ क्वेश्चन जो आते हैं उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ग्लूमी। तो यहाँ पर देखिए एंटोनिम पूछा गया यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो ग्लूमी का मतलब होता है निराश, लेकिन यहाँ पर इसका एंटोनिम पूछा गया है तो इसका मतलब एक प्रसन्न चेहरा जिसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो सकता है, इडल तो नहीं होगा, एंडिज्म नहीं होगा, वाइज भी नहीं होगा, लेकिन चेयरफुल जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि चेयरफुल का मतलब होता है अपोजिट ऑफ ग्लूमी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा डी, चेयरफुल। अगला सवाल देखते हैं, टू ब्रिंग इट ऑफ मीन्स। देखिए टू ब्रिंग इट ऑफ ये एक एडियम्स होती है, और इस एडियम का मतलब होता है किसी काम को बखूबी से अंजाम देना, किसी काम को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कैरी आउट करना। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है टू बी फेल्योर, नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन टू कैरी आउट सक्सेसफुली, तो टू कैरी आउट सक्सेसफुली हमारा ये जवाब जो है बिल्कुल सही है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो जब कोई प्लेयर 50 या 100 रन बनाता है तो ऑब्वियसली जो कॉमेंटेटर्स होते हैं वो कहते हैं ब्रिंग इट ऑफ इस हाफ सेंचुरी। तो इस तरह से जो कैरीड आउट सक्सेसफुली किया जाता है उसको बोला जाता है कैरी आउट सक्सेसफुली, टू ब्रिंग इट ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके पहले भी ये शब्द देखा गया है तलाटी की एग्ज़ाम्स में। तो ये सारे के सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इनका सही सही एनालिसिस करोगे या इनका प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि इन सवालों में से कुछ सवाल आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ बींग विदाउट वाइफ मीन्स। द स्टेट ऑफ बींग विदाउट वाइफ, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको बीवी ना हो, जिसकी वाइफ ना हो, अ पर्सन विदाउट वाइफ। तो अ पर्सन विदाउट वाइफ जो होता है वो सन्यासी होता है, और सन्यासी को इंग्लिश में कहा जाता है सेलिबस। और ये हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शन सी में हमें ये मिल रहा है, सेलिबस। तो बाइगैमी का मतलब होता है जो दो विवाह की प्रथा होती है, ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है, उसको बाइगैमी कहा जाता है। तो ये मोनोगैमी, पॉलीएंड्री ये नहीं हो सकते, सेलिबेसी जो है वही हमारा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, कॉन्साइंस। तो देखिए पहला ही सही है, CON, और साइंस का स्पेलिंग ऐड कर दीजिए, SCIENCE। तो यहाँ पर पहला ही जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी के सब जो है वो गलत।
उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें मिल रहा है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक। और सवाल ये है आई हैव बीन इल डॉट 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 लास्ट मंथ, और उसके बाद फॉर फ्रॉम सिंस ड्यूरिंग ऐसा हमें मिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई हैव बीन इल लास्ट मंथ, तो लास्ट के पहले हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे जहाँ कहीं भी लास्ट होगा तो आप सिंस का प्रयोग करो। अगला सवाल देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस प्लीज़ इंक्वायर डॉट 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 द मैटर। तो देखिए यहाँ पर प्लीज़ इंक्वायर लिखा हुआ है, इंक्वायर के बाद आपको एक खाली जगह मिली है, उसमें आपको सही प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। हमेशा याद रखेंगे सभी लोग कि इंक्वायर के बाद इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा डी जो है वो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लीज़ इंक्वायर इनटू द मैटर। तो इस तरह से हमारा इनटू जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन जो है इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये ट्रस्ट जो है ये आपका वर्ब है, ये वर्ब के बाद जो भी चीज़ होती है ये सब्जेक्ट बनकर आती है। तो आपको चारों ऑप्शन में यही देखना है कि एन ऑनेस्ट मैन कहाँ कहाँ मिला है। तो ऑप्शन ए में एन ऑनेस्ट मैन मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी एन ऑनेस्ट मैन मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ऑनेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी अगर हम देखेंगे, ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी में अ मैन से शुरुआत हो रही है, तो ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास अब दो ऑप्शन हैं ए और बी, इनमें से हमें सही जवाब को देखना है। तो जैसे ही हमारा एन ऑनेस्ट मैन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट लिखा हुआ है, ऑल के बाद सीधा ट्रस्ट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस बदलता है तो वो एमएसआर प्लस V3 में चला जाता है। तो इसका मतलब एन ऑनेस्ट मैन के बाद आपको इज का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे ए और बी में एन ऑनेस्ट मैन के बाद इज का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो पहले वाक्य में एन ऑनेस्ट मैन के बाद इज का प्रयोग नहीं किया गया, सीधा ट्रस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर सीधा ट्रस्ट है, तो हमारा ये जवाब नहीं होगा। और बी जो है वहाँ पर अगर हम देखेंगे एन ऑनेस्ट मैन के बाद हमें इज मिल रहा है तो आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और सीधा बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ये वॉइस के सवाल जो होते हैं ये आपको बिल्कुल लॉजिक के आधार पर सॉल्व करने होते हैं। कुछ SSC CGL की एग्ज़ाम्स पहले होती थी जिनके मेंस में 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहते थे, और 200 क्वेश्चंस इंग्लिश में रहते थे तो 25 क्वेश्चंस जो थे वो वॉइस पर आधारित थे, लेकिन समय मिलता था 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में आपको मैक्सिमम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, तो ऐसे समय पर 25 सवाल जो होते थे वो इस तरह के वॉइस पर आधारित होते थे, और इन 25 सवालों को लॉजिक के आधार पर ही सॉल्व किया जा सकता था। तो इस तरह से लॉजिक अगर आप लोग डेवलप करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी वॉइस या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके बाद हम वॉइस और नरेशन के स्पेशल पार्ट्स आपको देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है सेंटेंस को, और कैसे डायरेक्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा हम ज़रूर आपके सेवा में बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल आर्टिकल डॉट डॉट डॉट, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं कि नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आर्टिकल द जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सेंटेंस आई एम इन हरी, आई एम हरी, आई एम इन अ हरी, आई एम इन द हरी। जब हम जल्दबाजी में होते हैं, जब हम जल्दी में होते हैं, तब हम हमेशा कहते हैं आई एम इन अ हरी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही वाक्य है वो होता है इन अ हरी, तो यहाँ पर आई एम इन हरी सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो हमारे बाकी के जवाब सही नहीं हो सकते। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द नीडल इन द कंपास ऑलवेज डॉट 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 टू द नॉर्थ। यहाँ पर छोटी सी चीज़ है, जो लॉजिक की बात हम कर रहे थे यहाँ पर लॉजिक लगाना है ऑलवेज वाला। अगर हम यहाँ पर ऑलवेज देखते हैं तो ऑलवेज जिस वाक्य में आता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य,
और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में या तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया जाता है, नहीं तो वर्ब के पहले फॉर्म को एस या फिर ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पर द नीडल की बात हो रही है। द नीडल ये एक थर्ड पर्सन नाउन है, और ये थर्ड पर्सन नाउन होने के कारण इसमें जो वर्ब लगेगा वो वर्ब को एस और ईएस वाला वर्ब लगेगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें पॉइंट्स जो मिल रहा है वो एस और ईएस वाला वर्ब मिल रहा है, तो वही हमारा सही जवाब है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा, द नीडल इन द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। तो इस तरह से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही डॉट 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 ऑन टू अ ब्रांच विथ वन हैंड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछा गया है। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करनी है। जब कॉन्टिन्यूस आता है तो हमेशा याद रखना कि आने वाला वर्ब जो है वो आईएनजी होगा। तो हमारा सी ऑप्शन जिसमें आईएनजी नहीं है तो नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इसमें भी आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ हुआ है तो ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। जवाब हमारा सिर्फ रहेगा ए और बी में से कोई भी एक। लेकिन जैसे ही आपको बोला है पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट में आपका इज नहीं आता तो आपका ए ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा, तो बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लॉजिक के आधार पर इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बस महज आपको आपका लॉजिक डेवलप करना है और किसी बात की चिंता नहीं करनी है और बिल्कुल भी डरना नहीं है इंग्लिश को सवालों को सॉल्व करते समय। काफ़ी आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आसानी से सारे सवालों के जवाब आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक ऑफ दिस सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ शी सॉ अ गोस्ट। ये एक इमेजिनरी सेंटेंसेस है, क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा बार हम इससे बात करते रहते हैं। ये इफ़ जो है यहाँ पर इफ़ के बाद जो वाक्य आया हुआ है शी सॉ, तो ये शी सॉ जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाक्य है आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। और जब इफ़ के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है तो अगला जो वाक्य होता है वो हमेशा वुड प्लस वी वन में ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए वुड वाला जो सेंटेंस है वही सही होगा, बाकी सारे सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इफ़ शी सॉ अ गोस्ट शी वुड स्क्रीम। तो इस तरह से हमारा ये जवाब सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर ऑप्शन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट एज यू आर डॉट 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 एज। तो हम सब लोग जानते हैं अगर हम उम्र के हिसाब से अगर मैच्योर नहीं हैं तो हम वोट देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो सीधा यहाँ पर अबव एज का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, मोर एज का भी सवाल नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधा लॉजिक लगाओगे तो अंडर एज जो कहावत है यू आर नॉट एंटाइटल्ड, मतलब आपको एंटाइटल नहीं किया जाएगा टू वोट वोट करने के लिए जैसे एज यू आर अंडर एज, क्योंकि आप अंडर एज से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, री राइट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नेगेटिव। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो देखिए यहाँ पर नो ब्रेव डिजर्व द फेयर, ये आपका जो वाक्य ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा उल्टा वाक्य हो रहा है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव मीनिंग ज़रूर दे रहा है, क्योंकि हमें नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। माफ़ कीजिएगा बीच में नोटिफिकेशन आ गया था। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जवाब हो सकता है। दूसरा सेंटेंस भी चेक कर लेते, द फेयर इज डिजर्व नो बडी देन ब्रेव। तो ये हमारा जवाब नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा पूरा जवाब नहीं दे रहा है, पूरा नेगेटिव नहीं मिल रहा है। और उसके बाद नन ऑफ दी अबो, ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। तो बी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यही हमारा जवाब जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्सक्लामेटरी टू एफर्टिव। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। मैन इज अ इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। देखिए व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये जो वाक्य है इसको हमें एफर्टिव वाक्य में बदलना है। अगर हम इसको एसर्टिव वाक्य में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये इम्पॉर्टेंट जो मिल रहा है इसके पहले आर्टिकल ए को जो यूज़ किया गया है ये गलत है, तो हमारा ये वाक्य तो नहीं हो सकता। अब हमें दूसरे वाक्य को चेक करना पड़ेगा। दूसरा जो वाक्य है मैन इज रिमार्केबल पीस ऑफ वर्क, तो ये कहीं ना कहीं रिमार्केबल जो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। तीसरा सेंटेंस है मैन इज अ गुड पीस ऑफ वर्क, तो ये हमारा वाक्य हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से एसरेटिव बना दिया गया है, इसमें ज़्यादा कोई एनफोर्स नहीं किया गया है, इसको ज़्यादा एम्फेसाइज भी नहीं किया गया है, बस एसरेटिव सेंटेंस के द्वारा इसको दिखाया गया है।
और उसके बाद मैन इज अ बेटर पीस ऑफ वर्क। तो ये बेटर जो है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल ए भी नहीं लगता है, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो ओनली सी ही होगा। ये सवाल जो होते हैं ये लॉजिक के आधार पर ही सॉल्व किए जाते हैं। महज आपको पता होना चाहिए कि एसर्टिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहा जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस किसे कहा जाता है, इंपेरेटिव, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे सेंटेंसेस अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आप इन सवालों के सही सही जवाब दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स वन। अ डेड मैन टेल्स नो टेल्स। तो यहाँ पर देखिए इसका हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग करना है। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है तो ये ध्यान रखना होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। और रिलेटिव प्रोनाउन हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी में अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ ए में हमें जो हु मिल रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, बाकी हमें बी में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं मिल रहा है, सी में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं मिल रहा है, डी में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा हुआ एक ही हमारा जवाब सही है। तो लॉजिक के आधार पर हमारा पहला ही जवाब सही हो जाएगा। बस पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनमें रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, और फिर बाद में आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे आधार पर आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर एनीथिंग। द अर्थ डॉट 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 राउंड द सन। देखिए द अर्थ की बात हो रही है, और द अर्थ की बस जब बात होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात होती है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में द अर्थ की बात हो रही है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण इसके वी वन को एस ई एस लगना ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास है, एक है ए और दूसरा है सी, जिसको हम कह सकते हैं कि एस लगाया गया है, लेकिन बी और डी में एस नहीं लगाया गया तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। तो बचा है मूव्स और रिवॉल्व्स। तो बच्चा बच्चा जानता है कि द अर्थ के बाद जो है वो मूव्स लगाया जाता है, रिवॉल्व्स नहीं यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये सही जवाब हो जाएगा हमारा, और इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा बार इस सवाल को पूछा गया है, तो ये सवालों के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहेंगे क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। टू विन लॉरल्स मीन्स व्हाट। देखिए टू विन लॉरल्स ट्रायम्फ और टू कैरी आउट का एक ही मीनिंग होता है, किसी बात में सक्सेसफुल होना, कहीं चीज़ को जो हम एकम्प्लिश करते हैं, किसी चीज़ पे हम यदि सक्सेसफुल बनते हैं, कहीं जीतते हैं, कहीं जीत हासिल होती है, तो ऐसे में टू विन लॉरल्स जो होता है वो ही होता है। लेकिन टू विन लॉरल्स का जो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर दिया जाएगा कि अगर हमें कहीं सम्मान मिलता है, कहीं अगर हमें रेस्पेक्ट मिलता है, टू विन ऑनर, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो मैक्सिमम सवाल जो आते हैं वो पॉजिटिव पर ही आ रहे हैं, जैसे कि टू विन लॉरल्स जो है ये एक पॉजिटिव, टू विन ऑनर जो है इसके हिसाब से हमने यहाँ पर लेना हुआ है। तो यहाँ पर 19 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो सही हो जाएगा टू विन ऑनर। टू विन लॉरल्स ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा बार एसएससी की जो सीजीएल की एग्जाम्स होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बार इसको देखा गया है। इवन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनमें भी इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया है। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक पार्ट है जो हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, अ स्नेक इन द ग्रास। देखिए ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा बार एसएससी की एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि इसके पहले हम एसएससी की कोचिंग किया करते थे, एसएससी कोचिंग दिया करते थे, तो एसएससी की कोचिंग में ये काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पेपर्स में ये वर्ड्स जो है ये देखने को मिला है। तो अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है कि अ सीक्रेट एनिमी और अ हिडन एनिमी, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता ना हो। अ सीक्रेट या अ हिडन एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हमें कोई पता ना हो। वो हमारा करीब का दोस्त भी हो सकता है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो हमारा सीक्रेट एनिमी है। तो अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब ऐसा ही होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पर घास है, और घास में यदि कोई सांप छिपा हुआ है तो वो हमें दिखता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सीक्रेट एनिमी होता है, कहीं ना कहीं वो हिडन एनिमी होता है। ऐसी एक कहावत है और कहावत से ये स्नेक इन द ग्रास लगाया गया है। तो स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग ऐसे लिया जाता है कि अ सीक्रेट और हिडन एनिमी। और उसके बाद एक और सवाल हमें यहाँ पर दिख रहा है तो उसको भी हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब तो सब लोग जानते हैं, ऑथेंटिक का मतलब होता है फैक्चुअल, लेकिन यहाँ पर अपोजिट दिया गया है, तो अपोजिट के लिए हमें यहाँ पर फैक्चुअल, इमेजिनरी, रेयर और स्पूरियस
ऑथेंटिक के लिए यहाँ पर हमें कोई सही सही अपोजिट वर्ड नहीं मिल रहा है, तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर होगी। तो ये थे आपके तलाटी अहमदनगर के कुछ सवाल, इन सवालों को हमने सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश की है और लगातार हम आपकी सेवा में बने रहेंगे। इस तरह के वीडियोज़ हम आपको रोज़ाना देने वाले हैं, रोज़ तलाटी के 30 सवालों का एनालिसिस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, कनेक्ट रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब जब एक नया वीडियो मिलेगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।